तो दोस्तों, आप भी अपने डीमैट अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके एंजल वन के जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आप कोई भी शेयर वगैरह खरीदे होंगे तो उसे डूबने से बचाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली हम एंजल वन ऐप से ओपन करते हैं। फाइल है यहाँ, आप देख सकते हैं एंजल वन का एप्लीकेशन। और यहाँ कोने में जाएंगे तो यहाँ अकाउंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ अकाउंट में आपको क्लिक करना है। अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो यहाँ 300 के बगल में जो आपको प्रोफाइल दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और जो पैन कार्ड है, आपका एड्रेस, सब चीज़ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद नीचे में देखिए, इस थोड़ा सी स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नीचे पे लिखा है जो ऑल कैटेगरीज लिखा है वहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको शुरू वाले में क्लिक करना है, जैसे कि नॉमनी, ऐड नॉमनी या एडिट नॉमनी कर कर लिखा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन इन और आउट, दो ऑप्शन दे रहा है आउट और इन करके, तो यहाँ से आपको इन वाले में करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ऐड नॉमनी करके लिखा है, यहाँ पर नीचे पे लिखा है 100% आप अपने नॉमनी को दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 3 ऐड, मतलब 3 नॉमनी आप अपने अकाउंट में ऐड सकते हैं। और नॉमनी ऐड करने का मेन मकसद है, आपको कुछ हो जाता है जो आपके शेयर है वो किसे मिलना चाहिए, इसके उत्तराधिकारी को यहाँ पर ऐड किया जाना है। उस अगर आप ऐड नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा, तो आपका पैसा किसी को नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ ऐड करने के लिए सिंपली ऐड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नॉमनी का नाम लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है और पैन कार्ड नंबर लिखना है और शेयर परसेंटेज लिखना है कि आप अगर 3 लोग ऐड कर रहे हैं, 3 नॉमनी ऐड कर रहे हैं तो सबको अलग अलग परसेंट में दे सकते हैं, किसी को 20%, किसी को 40%, किसी को 50%, 60%, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसमें किसी को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि माता है, पिता है, भाई है, सिस्टर है, अदर, किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन डालता हूँ। सभी चीज़ को फिल करने के बाद यहाँ पर लिखा है सबमिट और बगल में लिखा है रिन्यू, तो यहाँ पर सबको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद NSDL के पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आई अग्री लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक में ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड, जिसका अकाउंट है उसका आधार कार्ड डालना है यहाँ पर, यहाँ पर उसका आधार कार्ड डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ, OTP को फिल कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो यू हैव नॉमिनी ऐड करना था वो प्रोसेस हो गया है। हमारे 2 दिन में हमारे अकाउंट में दिख जाएगा कि हमारा नॉमिनी ऐड हो गया है ऐसे करके। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर दिया है उससे आप बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से, कि अगर नॉमिनी ऐड नहीं हुआ है तो किस कारण से नॉमिनी ऐड नहीं हुआ है, ये आप कस्टमर केयर के नंबर में कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।